कर दिया। शोर कर रहे थे, किसी ने नहीं सुना, बालिक भी नहीं आया। तो बच्चों का लोगों ने अभी तक भाई नहीं निकाला मेरा, और बच्चे फसल अभी तक बोली कर रहे थे तरफ। कोई बोली कर बुझाने वाला तीन चार लोग कर खड़े हुए थे, बता रहे थे। मेरे भाई थे फरमान, फरहान, इरफान, अली, एक भतीजा। पांचों की डेड बॉडीज निकाल ली गई, सिर्फ मैं बचा हूँ। जो ये बंद थे इधर माल रखा हुआ था, माल हटा के अब उन्होंने कहा दिमाग नहीं काम करोगे का माल हटा के शीशे खोल दे, क्योंकि इतना माल था बंदे कम थे नहीं हटा सके होंगे। बिल्डिंग में कोई ऐसा रास्ता नहीं था जिसमें वर्कर सेफ हो सकता या हम किन सेंटर हो सकते थे। हम इंटर यहाँ से हो गए, जब हमने वेस्ट मंगा के दीवारें तोड़ी है और छत पे जाने का रास्ता भी बंद था। छोटी विंडो है, सब पे ग्रिल लगी हुई है, हालांकि ग्रिल मना है किसी भी फैक्ट्री में इस काम के लिए। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदीना फारूक शेख। और कराची में करंगी मेहरान टाउन में फैक्ट्री में आग लगने का एक और वाकया, आतिशबाजी का एक और वाकया, 17 जाने ले गया और पूरा का पूरा सिस्टम एक बार फिर एक्सपोज हो गया। रेजिडेंशियल एरिया में कमर्शियल फैक्ट्री कैसे बनी, क्यों हंगामी हालत की सूरत में कोई इखराज के लिए सिस्टम नहीं था, कोई रास्ते नहीं बनाए गए थे, खिड़कियां दरवाजे सील थे, फायर ब्रिगेड की ताखीर से पहुंचने की इत्तला आ रही है, कोई पूछने वाला नहीं है। डिप्टी कमिश्नर साहब पहुंचे तो, लेकिन हर सवाल के जवाब पे उन्होंने कहा मुझे मालूम नहीं। कल रात जब टीवी शोज में एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब साहब आए और मुख्तलिफ सवालात के जवाब देने की कोशिश की, पैदर पैसे वाकयात हो रहे हैं, हुकूमत सिंध क्या कर रही है, तो शाहजेब खान ज़ादा साहब को क्या उन्होंने जवाब दिया, मुलाहजा कीजिए जरा। मैं समझता हूँ जहाँ इंतजामिया को अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने की जरूरत है इन तमाम इदारों को, उसके साथ साथ जो फैक्ट्री के मालिकान हैं उनको मैं समझता हूँ अपने फैक्ट्री की हिफाजत के लिए ये इंसानी एस्पेक्ट को भी मद्देनजर रखना चाहिए कि अगर ये एग्जिट नहीं बनाएंगे, अपनी जो खिड़कियां हैं उनको भी सील कर देंगे, बंद कर देंगे, तो फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं समझता हूँ कि इसके अंदर दोनों इंतजामिया को भी अपने किरदार को बेहतर बनाने की जरूरत है और जो फैक्ट्री मालिकान है उनको भी थोड़ी सी अपने अंदर इंसानियत वाला जो एस्पेक्ट है उसको मद्देनजर रखते हुए इन चीजों को इस तरीके से नहीं करना चाहिए। मैंने जब आज विजिट किया तो मैंने पहली चीज वहां पे जो कंसर्न डिप्टी कमिश्नर थे उनको ये हिदायत दी कि ये जो फायर सेफ्टी ऑडिट है इन तमाम फैक्ट्रीज का किया जाए, नंबर वन। नंबर टू, इंशाल्लाह मैं आपको वादा करता हूं कि मंडे को पीएमसी एक काउंसिल रेजोल्यूशन पास करेगी जिसमें मैंडेटरी किया जाएगा इन तमाम फैक्ट्रीज के लिए कि ये जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं विद इन द फैक्ट्री उनको लगाना लाजमी होगा, फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह, और दूसरा जो फायर स्केप के एग्जिट होते हैं उनको भी करना लाजमी होगा, और उसके अंदर हम दर्ज करेंगे कि जो जो फैक्ट्रीज इसको वायलेट करेंगे उनका रैंडम इंस्पेक्शन होगा और जिनके यहाँ वायलेशन नजर आएगी उनके खिलाफ फिर कार्रवाई की जाएगी, फाइन भी लगाया जाएगा, और केएमसी कानून हमें इस बात की इजाजत देते हैं कि हम अमला के ऊपर फिर सील भी कर सकते हैं उनको। जनाब आपने मुलाहजा किया, मुर्तजा वहाब साहब कहते हैं जी दहाइयों पुराना मसला है ये, मैंने उस एरिया का विजिट किया, बड़ी देर से खराबी हो रही है, बड़ा अच्छा हुआ उनके ऊपर ये इंकशाफ हुआ, इंतजामिया की गफलत भी है, मालिकान की गफलत भी है, लेकिन अगर दहाइयों पुराना मसला है तो एक दहाई से ज्यादा तो सिंध हुकूमत को भी हो गया है, अपनी कारकर्दगी का उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया। जनाब बुनियादी सवाल इस मामले पर हमारा यूं कि आइंदा ऐसे हादसात से बचने के लिए हुकूमत को किन इकदाम की जरूरत है, लेकिन ये जो वजाहत पेश की जा रही है और तमाम तर सूरत हाल का जायजा लेने की भी बड़ी जरूरत है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। जनाब पैनल पर हमारा साथ दे रही हैं बेनजीर शाह साहब, अरशाद भट्टी साहब, मजहर अब्बास साहब और हफीजुल्ला नियाजी साहब भी लाहौर स्टूडियो से हमें ज्वाइन करें। मजहर अब्बास साहब, मुर्तजा वहाब साहब की वजाहत आपने मुलाहजा की, इंतजामिया पर चेक रखेंगे, वो सारी बातें कहां गई, हर एक को उन्होंने मौरूद इल्जाम ठहरा दिया, लेकिन सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी कहां गई, वजाहत काबिल कबूल है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं है। देखिए इसका बैकग्राउंड सुन ले पहले, फिर मैं ओवरऑल भी बता देता हूं आपको। ये 78 का प्रोजेक्ट है, 1978 में ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए प्रोजेक्ट बनाया गया था, और उस वक्त ओवरसीज पाकिस्तानियों ने 240 और 400 गज इस तरह के प्लॉट्स थे जिसमें 750 पाउंड से लेके 1500 पाउंड तक जो है वो उन्होंने प्लॉट खरीदे थे, और जो मुख्तलिफ कंट्रीज में हमारे हाई कमीशन हैं, एम्बेसीज हैं, उधर उनको फॉर्म्स मिले थे, उसमें उन्होंने जमा कराया। केडीएस को लुक आफ्टर कर रही थी, 43 साल बाद भी उनमें से किसी एक शख्स को भी पोजीशन नहीं मिली, 43 ईयर्स। कौन सी गवर्नमेंट है जो इसकी रिस्पॉन्सिबल नहीं है? इन 43 ईयर्स में एवरी सिंगल गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल। केडीए की पूरी इंतजामिया जिम्मेदार है,
ये जितने डिपार्टमेंट्स हैं, और अब भी कुछ नहीं होगा, इंक्वायरी अभी भी आप देखें, वो ये नहीं कह रहे कि ये प्रोजेक्ट इलीगल है। और ये जो केएमसी से रेजोल्यूशन की बात है, ये मैंडेटरी है, ये मैंडेटरी है कि ये अभी जो बल्दिया फैक्ट्री का वाकया हुआ था उसके फौरन बाद भी इसको देखा गया था। और आज भी जाके आप जितने साइट एरिया में हैं, लांडी एरिया में जितनी फैक्ट्रीज हैं, उसके बाद ये कहा गया था कि सब ये अपने प्रिकॉशनरी मेजर बिल्कुल सिंध हाई कोर्ट की जजमेंट आई है आतिश जद्दी वाले वाकये के बाद, उसमें क्लियर डायरेक्टिव्स हैं। फरवरी की बात है, मार्च की, ज्यादा दूर की नहीं है। लिहाजा इस मामले में भी कुछ नहीं होगा, इंक्वायरी होगी, हशअप होगा, कवर अप होगा। ये चीफ मिनिस्टर से जितने चीफ मिनिस्टर्स गुजरे हैं, दे शुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि ये नहीं है कि किसी एक ने ये काम कर दिया, उसके बाद किसी ने उसको देखा क्यों नहीं, उसके बाद वो प्लॉट बेचे कैसे गए, उसके बाद वो कौन लोग हैं कि जिन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानियों के साथ इतनी बड़ी ज्यादती की है, क्या उनको रकम वापस की गई ओवरसीज पाकिस्तानियों को, जो लाखों पाउंड्स चले गए लोगों के, उनको वो रकम वापस की गई, किसने ये कब्जे कर लिए? अब वहां कब्जा होगा तो कहेंगे कि जी इनको कैसे हम खाली कराएं, इलीगल पोजीशन। बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन जब आमने सामने बिठाया जाता है मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स को, चाहे वो सिंध हुकूमत हो या केएमसी हो या बल्दिया हो, तो वो आपस में एक दूसरे के ऊपर इल्जाम तराशी करते हैं। आप क्या समझते हैं इसका हल क्या है, क्या इकदाम होने चाहिए? देखिए, इकदाम तो डिफाइन है ना, वो अगर वो इकदाम नहीं होते तो चीफ एग्जीक्यूटिव से लेके, अगर देखें ये 13-17 लोग जो मारे गए हैं, उससे पहले वो जो 250 लोग मारे गए थे उसका कौन रिस्पॉन्सिबल था, किसको रिस्पॉन्सिबल करार दिया गया? मालकान तो बच के निकल गए, मालकान को क्या हुआ, वो तो बैरून मुल्क चले गए, ये भी मैं इनके भी मालकान का नहीं पता होगा। इस पूरे प्रोजेक्ट को इलीगल डिक्लेयर किया जाए, इस पूरे प्रोजेक्ट को, सिर्फ फैक्ट्री के नहीं, वो सारा एरिया जो है वो जो ओरिजिनल था उसको अपनी ओरिजिनल शक्ल में बहाल किया जाए। ये इतना बड़ा स्कैम है, और एक एक स्कैम नहीं है ये, मुझे आज क्या चीफ मिनिस्टर से लेके पूरे शहर में कोई भी अशोर करा सकता है कि कल अगर किसी फैक्ट्री में आग लगती है, कल अगर कोई, यहाँ तो आप देखें कि कराची में पूरे शहर में, जहां पर रिहायशी इलाकों में जिस तरह से लीगल फैक्ट्रीज बनाई गई हैं, देखिए डीएचए से लेके कैंटोनमेंट से लेके केएमसी तक, पूरे कराची के अंदर रिहायशी इलाकों में फैक्ट्रीज बन ही नहीं सकती। जो भी फैक्ट्रीज है उनको डिसबैंड किया जाए, जो भी रिहायशी इलाकों में कमर्शियल एक्टिविटीज है उनको खत्म किया जाए, हो नहीं सकता, वरना कोई भी बड़ा हादसा किसी वक्त भी हो सकता है। यकीनन। अच्छा, बेनजीर की तरफ ये चीज लेके चलती हूँ। बेनजीर, यकीनन आप अपनी तजवीज तो देंगी, लेकिन अभी हाल ही में बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं जी जो बल्दियाती इंतखाबात हैं वो इशू नहीं है, लेकिन हम जब इस तरह के वाकयात देखते हैं, जो बल्दियाती नुमाइंदे होते हैं वो अकाउंटेबल होते हैं, लोग जाके उनको पकड़ सकते हैं, इंतजामिया के ऊपर इल्जाम लगाना तो बड़ा आसान, लेकिन फिर जब इस तरह के वाकयात होते हैं कौन किससे जवाब तलबी करे? फलीना, कोई जिम्मेदारी ले तो आप किसी को पकड़ सकते हैं ना, यहाँ पे तो कोई जिम्मेदारी ही नहीं लेना चाहता। मतलब कितने ऐसे वाकयात हो चुके हैं, कितने वाकयात हुए हैं, हम माजी से कुछ सबक ही नहीं सीखना चाहते। कानून भी हैं, जैसे मजद साहब ने कहा, रूल्स भी हैं, इदारे भी हैं, कोई इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहता, कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता। बल्दिया का आप ले लें, 8 साल हो गए। मैं कल मजद साहब से बात कर रही थी शो से पहले, तो मजद साहब ने मुझे याद दिलाया कि अपील तक नहीं की सिंध हुकूमत ने, जो लोग रिहा हो गए उनके उस पर अदालत ने पूछा आप अपील करेंगे, तो उन्होंने अपील तक नहीं की। मैं आज सोशल मीडिया पे देख रही थी कि एक ट्रेंड चल रहा था कि शहबाज शरीफ साहब को कराची में होना चाहिए। शहबाज शरीफ साहब की जब हुकूमत थी पंजाब में, आपको याद है एलडीए की बिल्डिंग में आग लगी थी, मैं उस वक्त रिपोर्टिंग कर रही थी, कितने लोगों की जाने चली गई, आज तक किसी को सजा नहीं हुई। 2013 का वाकया है, 2018 में जेआईटी बन रही थी, तो ना ही कोई जिम्मेदारी लेता है और ना ही किसी को सजा होती है। जिम्मेदारी तो बहुत से लोगों की और बहुत से इदारों की है, यहाँ पे कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी की भी जिम्मेदारी है, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की भी है, जिसकी जमीन थी रेजिडेंशियल जमीन के ऊपर एक फैक्ट्री बनाएगी उनकी जिम्मेदारी है, फैक्ट्री ओनर की भी जिम्मेदारी है, जिसने जानवरों की तरह जिस तरह एक पिंजरे में बंद कर देते हैं दरवाजे खिड़कियां लॉक, ताकि शायद सामान ना चोरी हो जाए।
लेकिन इंसानी जाने जाती हैं तो जाए, तो जिम्मेदारियां बहुत सी हैं। और जो ये बात मुर्तजा वहाब साहब अभी शाहजेब खानजादा के शो पे कर रहे थे कि सेफ्टी फायर सेफ्टी मेजर्स दिए जाएंगे, यही बात अलीना पिछले साल मुझे याद है, बड़ी अच्छी तरह याद है, सिंध हाईकोर्ट में ये केस चल रहा था और वहां पे यही बात हुई। सिंध हुकूमत ने कहा हम एक टास्क फोर्स बनाएंगे, वो डिस्ट्रिक्ट सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करेगी और वो जाके इंश्योर करेगी कि हर बिल्डिंग, हर प्लाजा, हर शॉपिंग प्लाजा में फायर सेफ्टी मेजर्स लिए जाएंगे। तो ये तो हम दोबारा वही बात सुन रहे हैं, तो मुझे नहीं पता अलीना इसका क्या हल है, सिर्फ कराची में नहीं पूरे मुल्क में इसका क्या हल है। हफीजुल्ला न्याजी साहब, बड़े बड़े दावे, बड़े बड़ी हम एक दूसरे के ऊपर इल्जाम तराशियां सुनते हैं पॉलिटिकल फ्रंट के ऊपर, लेकिन जब इस तरह के वाकयात होते हैं हकीकत खुल के सामने आ जाती है कि काम कोई भी नहीं कर रहा है, किसके पास जाएं, किसको हम पकड़े, कुछ समझ नहीं आता। पहली बात तो यह है जी कि जैसे मदर साहब ने फरमाया है उसमें थोड़ा सा ऐड कर दूं कि पाकिस्तान के अंदर जब से इंडस्ट्री आई है साथ ही हमारे सेफ्टी हेल्थ लेबर लॉज रेगुलेशंस जो हैं वो जो है नाफिज रहे हैं, न सिर्फ नाफिज रहे हैं बल्कि हर वक्त के बाद वो इवॉल्व होते रहे हैं और उनको बेहतर से बेहतर किया जाता रहा। 20 साल के करीब मैंने इंडस्ट्री चलाई है क्योंकि मेरा तो एक्सपोर्ट का काम था, तो इससे हमारी तो अपनी एक जिसको कहना चाहिए मैंडेटरी था, हमारे पास चॉइस ही नहीं थी कि हम जब तक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो है सेफ्टी के और लेबर्स के और उसको नहीं रखते थे, तो हमारे पास बड़ी कंपनी जो इंटरनेशनल रिप्यूट की थी और आपका इमरजेंसी में फायर एक्सटिंग्विशर कितने हैं, पूरा सिस्टम क्या है, वो क्या है, सेफ्टी क्या है, इमरजेंसी एग्जिट्स का कहां कहां देने हैं, हो ही नहीं सकता कि एक हॉल के अंदर 300, 400, 200 या 150, 100 लेबर काम कर रही हो तो उनको इमरजेंसी में निकलना है तो इतने मिनट में ऐसे एग्जिट्स हों के अंदर बंदे निकल जाए। ये तो है जनरल बात। और उसके बाद वहाब मुर्तजा साहब का आपने फरमाया है तो ये खाक क्या कहते हैं बाद दस खराबी बसियार, उन्होंने फरमा तो दिया कि अब हम ये करेंगे। पाकिस्तान के अंदर हमेशा होता है कि ये करेंगे और नहीं करेंगे, लेकिन मेरा मसला बिल्कुल ही फर्क है। आपने जब लाहौर का मीनार पाकिस्तान का वाकया डिस्कस किया तो उस वक्त मैंने जनरलाइज बात की थी, पूरे पाकिस्तान के अंदर चाहे ट्रैफिक हो, चाहे फैक्ट्रियों के रूल्स एंड रेगुलेशन हो, चाहे आपके अंदर लोगों के ओनर हो, जैसे कि यहां पे ख्वातीन के साथ पाकिस्तान में हो रहा है या बाकी हो रहा है, ये एक क्लासिक मिसाल है कि पाकिस्तान जो है, जो भट्टी साहब भी पिछले 2-4 दफा है उसको बड़ा वेमेंटली जब मैं भी प्रोग्राम में था फरमा चुके हैं कि पाकिस्तान जो है एक बिल्कुल जंगल बन चुका है, लॉलेसनेस जो है एट एक्सट्रीम बेस्ट। अब ये है कि क्यों है, मैं हमेशा समझता हूं कि जिस मुल्क के अंदर कानून आईन की जो है हिफाजत नहीं होती तो वहां बड़ा मुश्किल है कि आप शहरियों के अंदर आप करा सके। मैं दुनिया के सारी दुनिया घूम चुका हूं और काम भी कर चुका हूं, आप निशानदेही कर रहे हैं, ये हो ही नहीं सकता। भाई दो बातें, लेकिन सर इसका हल क्या हो सकता है? मैं बता रहा हूं ना, हल यहां से आगे कैसे बढ़ा जाए। पहली बात ये देखें, हल बढ़ाने के लिए बात ये कि रिजोल्व कौन करेगा, वो करेगा ना जो खुद कानून का एहतराम करता है। पाकिस्तान के अंदर मुझे एक बंदा बता दें सियासतदानों में या इदारों में कि जो कानून का एहतराम खुद कर रहे हैं, जब वो कानून का एहतराम नहीं करते तो कानून नाफिज करना बड़ा मुश्किल होता है। हो ही नहीं सकता कि आपके मुल्क में कानून हो तो हुकूमत और फैक्ट्री दोनों जगह पे ये नाफिज ना हो। ये आप जहां जाएंगे कानून जो है जमीन के ऊपर ट्रांसलेट हो ही नहीं पाता, चाहे आपने मार्शला लगा के देख लिए, आपने लोगों के घरों में जाके ये सारे काम नाफिज कराए, क्या होता है कि जब ऊपर से आप आईन तोड़ के फिर रहे होते हो। दुरुस्त फरमा रहे हैं, आपने निशानदेही कर दी कि मसला कहां पर है, उसकी जड़ कहां पर है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हम करते हैं। कोरोना की इस वबा में बहसियत एक जिम्मेदार शहरी हम सबका फर्ज है कि सामाजिक दूरी इख्तियार करें। इसके लिए नहायत जरूरी है कि हम आपस में एक मुनासिब फासला इख्तियार करें। मुनासिब फासला इख्तियार करने से न सिर्फ हम वायरस से खुद को महफूज रह सकते हैं बल्कि अपने घर वालों को भी इस मोहलिक वायरस से बचा सकते हैं। याद रखें, मुनासिब फासला कम से कम 6 फीट है। डॉक्टर्स का मानना है कि जब भी कोई शख्स खांसता है, छींकता है या बात करता है तो उसके मुंह से निकलने वाले छोटे छोटे जर्रात 3 से 6 फीट के फासले तक फैल सकते हैं। ताहम खुली फिजा में ये जर्रात 3 से 26 फीट तक का फासला तय कर सकते हैं और अगर मस्कूरा शख्स बीमार है तो इतने फासले में मौजूद तमाम अफराद बीमार हो सकते हैं। ये छोटे छोटे जर्रात फिजा में 20 मिनट तक मौजूद रहते हैं।
जबकि अगर बीमार और सेहतमंद अफराद मास्क लगाए हुए हों तो फिर वायरस से बचने के इम्कान बहुत बढ़ जाते हैं। अपनी समाजी जिम्मेदारी अदा कीजिए, थोड़ी सी एहतियात आपकी और आपके आसपास रहने वाले बेशुमार इंसानों की जान बचा सकती है। जियो जिम्मेदारी के साथ। अफगानिस्तान की सूरत हाल तालिबान की पेशकदमी से। अमेरिका और इत्तेहादी अफवाज ने 31 अगस्त तक अफगानिस्तान से अपने इनखला के लिए पाकिस्तान से मदद की अपील की है। साबिक अहलकारों के इनखला तक हम रख रहे हैं आपको बाखबर। हम एयरपोर्ट के इलाके पर हैं, यहाँ पर शदीद फायरिंग हो रही है और भगदड़ मची हुई है। खित्ते से जुड़ी हर अपडेट और जामे तस्वीरों तबसरों के लिए देखते रहिए सिर्फ जियो न्यूज। देखते हैं आवाजों की जाने, आंखें सुन लेती हैं खामोश इल्तिजा को। ऐसे सवाल करते हुए डरता है क्योंकि उनकी ठुकाई बाद में होती है। आप ना ठुकवाइएगा, बाकी मैं संभाल लूंगा। आप क्या मतलब पार्टी है, माफिया है? अंधे बहरे मुआशरे में झिझक की है, डर की दीवारें, जवाब की रोशनी सवाल तक पहुंचने नहीं देती, जहनों को पनपने नहीं देती। सवाल की चोट से गिरती है हर दीवार। आज शाज़ीब खानज़ादा के साथ देखिए, आज शाज़ीब खानज़ादा के साथ पीर से जुमा शब 10:05 सिर्फ जियो न्यूज पर। शो ऑफ पावर देखना ना भूलिएगा। अब कहीं से डरते हो? चूहू का काम था वो। डां 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 डां। उसमें इतना बड़ा मुंह नजर आया। पान भी इसलिए खाया कि मदहोश नजर आए। रोटी बहुत खाऊंगा। पोला 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 इख्तियार। देखिए खबरनाक जुमेरात से इतवार शब 11:05 सिर्फ जियो न्यूज पर। भर में पाकिस्तान का सबसे मकबूल न्यूज चैनल जियो न्यूज हर वक्त हर जगह आपके साथ। जियो न्यूज पहुंचाए अहम तरीन खबरें, हर वक्त मालूमात, दिलचस्प वाकयात, शोज और बहुत कुछ। रिकॉर्डेड ही नहीं, लाइव भी, इंग्लिश और उर्दू दोनों जबानों में। अभी लॉग ऑन कीजिए www.jio.tv। यही नहीं, जियो न्यूज आपके साथ ट्विटर और फेसबुक पर भी। तो देखते रहिए हर जगह हर वक्त आपके लिए आपके साथ सिर्फ जियो न्यूज। वेलकम टू जियो पाकिस्तान। आपके लिए 23 मार्च पाकिस्तान डे क्या है? हम सबको एहतियात करना बहुत जरूरी है। कई शब देखा मैंने चांदरों के में। लेट्स टॉक अबाउट क्रिकेट भाई। अश्विन जब तू भागता था ना तो हमें लगता है अब कुछ होने वाला, हम दूसरी टीम में बैठे हैं, मजा आ रहा होगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मेमोरी गेम्स और ये होता है सुपर लर्निंग के साथ कोर्सेज हैं। ये जो आपका सफर है इसे छोड़ना नहीं है आपने, प्रॉमिस करेगा? जी प्रॉमिस। जितनी करप्शन पिछले सालों में थी उतनी ही करप्शन आज तक मौजूद है। सारी कुछ समझता
ना का मतलब ना होता है। करेज किया जाना चाहिए, बड़ी अच्छी बात है। अपने राइट के लिए आप आवाज उठाने के लिए डरे नहीं, और हमारे एक्टर्स बहुत टैलेंटेड हैं। उर्दू पाकिस्तान इस सिलसिले में क्या करना चाह रहे हैं? हमें प्यार है पाकिस्तान से। देखिए जियो पाकिस्तान पीर से जुमा सुबह 9:05 सिर्फ जियो न्यूज पर। मामा। हाँ हाँ, और बहुत एहतियात करने की जरूरत है। हैप्पी बर्थडे टू यू। रुको। हेलो डॉक्टर साहिबा, मजीद कोरोना के पेशेंट्स आ रहे हैं, इमरजेंसी है, आप जल्दी आ जाएं। ओके, मैं आ रही। इसको समझा दीजिएगा, मैं अपने बच्चों के करीब नहीं जा सकती ताकि आप अपनों के करीब रह सकें। खेलों की दुनिया में कौन कब कहां और किस मैदान में दिखा रहा है अपना जोर, किसने किया स्कोर और कौन मचाता रहा सर शोर, कारकर्दगी, इख्तलाफात, झगड़े और तकरार, किसको मिली जीत और कौन गया हार, खेल से वाबस्ता हर खबर जानने के लिए देखिए इसको पीर से जुमा शाम 5:30 सिर्फ जियो न्यूज पर। जियो इकरा इस्लामी तालीमात पर मबनी ट्रांसमिशन देखिए जियो 23 पर रोजाना सुपहर 3 से रात 8 तक। सीखिए रोजमर्रा मेलजोल और बर्ताव की इस्लामी तालीमात, अदबो आदाब, पीर और जुमा सुपहर 3। कुछ बातें ऐसी जो मुतय्यन करती हैं इनफरादी और माशरती तरबियत के रोशन उसूल। खास बात पीर और जुमा सुपहर 3:30। अल्लाह सुबहानहू तआला के पैगामात अपने महबूब खातिमुन नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी, हदीसे कुदसी में पीर और जुमा शाम 4। कलामे पाक के अल्फाज दुरुस्त तरीके से पढ़ने का तरीका जानिए। अर रैहान पीर बुध जुमा इतवार शाम 4:30। बनी आदम की रहनुमाई का कामिल जरिया, बायस निजात सबके लिए, कुरान सबके लिए, पीर बुध जुमा इतवार शाम 5:30। नबी आखिर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का हर लम्हा हमारे लिए मशालेरा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ शब, पीर बुध जुमा इतवार शाम 6:30। रहमतुल्लिल आलमीन खातिमुर रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात मुबारका, जिंदगी के तरीके, सलूक और तालीमात, मेरा पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पीर बुध जुमा इतवार शाम 7:30। बदलता वक्त, रोजमर्रा मसाइल, मुख्तलिफ मकातिब फिक्र के उल्मा की आरा, इज्तिहाद, मंगल जुमरात हफ्ता 4:30। अल्लाह सुबहानहू ताला का फरमान, ईमान की वो रोशनी जो नाउम्मीदी के अंधेरों को मिटा देती है। ला तहजन, मंगल जुमरात हफ्ता 5:30। गलती और शक से पाक, किताब अल्लाह की आयात, अल्फाज उमानी, इल्म हिदायत का खजाना, फिरासत कुरान, मंगल जुमरात हफ्ता 6:30। उम्मत मुस्लिमा के जवानों की किरदार साजी की बुनियाद क्या होनी चाहिए? दीन इस्लाम अपने जवानों से क्या चाहता है? जवान तुम चले हो कहाँ? मंगल जुमरात हफ्ता 7:00। सहाबियात रजी अल्लाह अन्हुमा के किरदारों सीरत के रोशन मीनार, सीरत उस सहाबियात,
मंगल जुमेरात हफ्ता 7:30। शोहर और बीवी एक दूसरे के लिए क्या है? मोहब्बत, वफा, हुदूद और तरबियत, शरीयत की रहनुमाई में। साहिब और साहिबा, पीर बुध जुमेरात इतवार 7:00। जियो इकरा देखिए रोजाना दिन के 3:00 से रात 8:00 तक सिर्फ जियो 23 पर। जनाब करंगी मेहरान टाउन में आते जद की 17 जानें चली गईं, जाये हो गईं। क्या हो, किसको पूछें? ये जो जानों का ज़िया है, पे दर पे वाकयात होते हैं, लेकिन सीखता इससे कोई नहीं है। भट्टी साहब देखिए, मैडम शेख, पहला तो आपका जो बड़ा सवाल है कि क्या हो, कुछ भी नहीं होना, क्योंकि यहाँ 95% इंसान नहीं जानवर रहते हैं, कीड़े मकौड़ों की तरह जिंदगी बरसते हैं और उनकी मौत और जिंदगी ऐसे ही है। लिहाजा चंद दिनों बाद, चंद महीनों बाद हम दोबारा किसी फैक्ट्री पर इसी तरह, जिस तरह रेप केसों पे हम बार बार बात करते हैं, इसी तरह कर रहे होंगे। लिहाजा मेरा ऑप्शन लिखें, कुछ नहीं होना, कुछ नहीं होना और किसी ने कुछ नहीं करना। ये दुआओं से नहीं होता, दवाओं से होता है। अल्लाह ना करे, अल्लाह ने हमें कुछ अकल भी दी है, कुछ करने की नीयत भी दी है, अगर हम नहीं करेंगे तो क्या सारा कुछ दवाओं पर चल रहा है? अच्छा, मैं अपना सवाल का जवाब चीफ जस्टिस साहब के 14 जून 2021 के रिमार्क्स से शुरू करना चाहता हूं। और सिंध में कोई हुकूमत नहीं, लंदन, दुबई, कनाडा से हुक्म चलता है, ये होता है पार्लिमानी निजाम। सिंध के सिवा पूरे मुल्क में तरक्की, खैर ये इलाहदा है। असल सिंध हुकूमत का एक ही मंसूबा है कि सूबे को बदतर से बदतर बनाओ। जो नाला नहीं साफ करा सकते वो सूबा कैसे चलाएंगे? तवील अरसे से आपकी हुकूमत है, शहरियों को क्या दिया है आपने? ये चीफ जस्टिस साहब ने फरमाया था 14 जून 2021 को। अब ये मैडम शेख, ये जो रोती माएं हैं, बहन करती बहनें हैं, धाड़े मारते भाई हैं, ये तड़पती सिसकती आवाम है, ये आए रोज एक ही तरह से मरते लोग हैं, ये कत्ल हैं, ये हादसा नहीं है, ये सानिया नहीं है, ये 16-17 कत्ल हैं, ऐसे ही जैसे कराची की सड़कों पर हुए थे, ऐसे ही जैसे 9 साल पहले सानिया बल्दिया टाउन में 260 लोग कत्ल हुए थे, जहां भत्ताखोरों के 2 फ्रंटमैनों को सजा हुई, बाकी मास्टरमाइंड छूट गए। पहले क्या कहा, फैक्ट्री मालकान के खिलाफ मुकदमा, फिर क्या कहा, उनकी गफलत, फिर जीआईटीआई तो पता चला ये तो आग लगाई गई है। मैडम शेख, क्या कराची में कोई हुकूमत है? फैक्ट्री मालकान जिम्मेदार है, किरदार को नामजद किया गया मुकदमे में। हाँ अच्छा, इसमें फैक्ट्री मालक को भी मैं जिम्मेदार ठहराता हूँ इस हादसे में, अच्छा क्या कराची में कोई हुकूमत है मैडम शेख? क्या फैक्ट्रियों के कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं? क्या मजदूरों की हिफाजत के लिए कोई कानून है या उन पर अमल दरामद वाले कोई एक आदमी भी मौजूद है? क्या इन फैक्ट्रियों में हादसों सानियों की रोकथाम के लिए हुकूमती मुआयना होता है? बिलावल भुट्टो साहब ने चंद दिन पहले फरमाया था कराची को सिर्फ सिंध या कराची को सिर्फ पीपल्स पार्टी बचा सकती है। बिलावल भुट्टो साहब को याद कराना था कि लियारी को ठंडा और मीठा पानी देना था, अमीरों की जमीनें गरीबों में तकसीम करनी थी, 18वीं तरमीम के बाद सिंध एक मुल्क है, मुफ्त तालीम, मुफ्त इलाज देना था, 18वीं तरमीम के बाद मैडम शेख आखिरी बात, कुत्ता वैक्सीन तो नहीं दे सके, चलो मरकज ने देनी थी, कब्रों की जगह, मजर साहब से अगले दिन डिस्कस कर रहे थे, कब्रों की जगहों पे सिफारिशें होती हैं। साफ पानी, कराची के 93% लोग आलूदा पानी पी रहे हैं, और वो शहर जिसका नाम बदला था और रखा था शहीद बेनजीराबाद, 80% लोग वहां के भी साफ पानी नहीं पी रहे। खंडर बना एड्स ज्यादा लड़काना, थर के बच्चों को मरने से नहीं बचा सकते, अगर आप करप्शन नहीं रोक सकते, गवर्नेंस परफॉर्मेंस नहीं बेहतर कर सकते, डॉक्टर फुरकान को वेंटिलेटर नहीं दे सकते, आपका 1970 का आखिरी जुमला, आपका 1970 का एक वादा रोटी कपड़ा और मकान नहीं दे सकते, तो इन फैक्ट्रियों पर कोई कानून ही लागू कर दें, ना मरे लोग लेकिन ये मरेंगे और ऐसे ही होता रहेगा। सर वो हादसे के बाद फिर कहते हैं ना, पीर को हम कमेटी बनाएंगे और उसकी अमल दरामद यकीनी बनाएंगे। मजहर अब्बास साहब, पीपल्स पार्टी, क्या ये हम कह सकते हैं कि सिंध में फेल हो गई? क्या अब जो आज भी हमने देखा, बिलावल भुट्टो जरदारी मुख्तलिफ दावे वादे कर रहे हैं, आज बड़ी कैंपेन चला रहे हैं, क्या सिंध में भी वो लोग कर नहीं पाए जिसका वो वादा कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं, किया क्या जाए यहां से आगे? फिर बिल्कुल जिम्मेदार है पीपुल्स पार्टी, जो भी हुकूमत में होगा वो जिम्मेदारी लेगा, मैडम उसको लेनी चाहिए। ऑप्शन लिखे कुछ नहीं होना, कुछ नहीं होना, माजरत के साथ मजर साहब से, मेरा ऑप्शन लिखे कुछ नहीं होना, कानून लागू नहीं, सख्त कानून लागू नहीं।
जिम्मेदार साहब मंजिल साहब को प्लीज बात करने दें जी। जिम्मेदार हुकूमती होती है, हल क्या है? देखिए ठीक है, भट्टी साहब की बात जनरलाइज ठीक है, आप तारीखी हवालों से देखें बिल्कुल ठीक लगती है। देखिए जब भी आप शहर में एक हुकूमत होनी चाहिए, उसके मातहत तमाम इदारे होने चाहिए, ताकि वो जो मेयर होगा वो फिर अल्टीमेट जिम्मेदार होगा। कोई भी हादसा होगा, कोई भी डिपार्टमेंट होगा, कोई भी जो बिल्डिंग गिरेगी या बिल्डिंग में आग लगेगी, आप उसको जिम्मेदार करार दे सकते हैं। आज क्या होता है, केएमसी कहती है मेरा इलाका नहीं है, डीएचए कहता है मेरा इलाका नहीं है, वजीर आला कहता है कि शहरी हुकूमत से पूछूंगा, शहरी हुकूमत सारे कवानीन मौजूद है, हर चीज मौजूद है। आप सिंध में कराची को अंडर वन अम्ब्रेला करें, कराची सिर्फ एक अथॉरिटी के अंडर होना चाहिए, और जो भी उसका हेड हो वो होली सोली रिस्पॉन्सिबल करार दिया जाना चाहिए अगर कोई भी ऐसा हादसा हो, क्योंकि ये उसकी जिम्मेदारियों में करेगा। कौन करेगा? सिंध गवर्नमेंट। सर ये सिंध असेंबली तो है, करेगा अगर नहीं करती, हर दफा हमें सुनते हैं, अगर एक मिनट मेरी बात सुने, अगर नहीं करती तो पीपुल्स पार्टी फिर जिम्मेदार है इन तमाम हादसात के, पीपुल्स पार्टी फिर जिम्मेदार है इन तमाम के, सिंध असेंबली फिर जिम्मेदार है इन सारी चीजों के। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता ना, हम नहीं सुनते। जब भी हम उनसे जवाब मांगते हैं वो हमेशा यही कह देते हैं, अगर कहते हैं तो झूठ बोलते हैं, करता कोई नहीं है। अगर वो कहते हैं कितनी मरतबा एक सुराख से डसे जाएंगे, कितनी मरतबा एक सुराख से डसे जाएंगे, एक तो मदर साहब हमारे जो है ना उनकी कितनी मरतबा कुर्बान क्यों ना हो जाऊं, यानी कि मदर साहब से ज्यादा कोई नहीं जानता कि जो लोग इस वक्त इकदार में सिंध के अंदर है उनको जाती तौर पर 90% लोगों जानते हैं कि एक होती है कैपेसिटी, फिर एक होती है रिजॉल्व और विल टू डू समथिंग। जब ये दोनों चीजें हो ही नहीं पूरे पाकिस्तान के अंदर, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आज जो मदर साहब ने फरमाया है ये करके दिखवा दे, ये इसलिए नहीं हो सकता कि जो टूल्स चाहिए, जो ह्यूमन जो एक माइंड सेट चाहिए, नो हाउ चाहिए, उसका फुकदान है। और तीसरी बात, आज आप एक कमीशन बना लें पिशावर से शुरू हो कराची तक और पूरी पाकिस्तान की सारी इंडस्ट्री के ऊपर सिर्फ एक चेकलिस्ट बना लें और उसके अंदर बता दें कि चीजें जो है एज पर रूल एंड रेगुलेशन रन हो रही है नहीं हो रही, उनका निजाम चला या नहीं चल रहा। अगर 95% फैक्ट्रियां बंद ना करनी पड़े पूरे पाकिस्तान के अंदर, आपको आप कह दें कि आप गलत कह के हो, जब आपको पूरा आवेदन भी हो गया, आपका निजाम आप हो ही नहीं सकता क्योंकि जो रिक्वायर्ड टूल्स हैं वो दस्तयाब नहीं है। मैं छोटी सी ब्रेक लेती सर, हम एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद आपके ऊपर इसके ऊपर मजीद डिस्कस करते हैं। मिस्टर जीम आपको इस खतरे से आगाह करना चाहता है जो इस वक्त मजीद तश्वीशनाक सूरत में हमारे सामने मौजूद है, लेकिन चंद बुनियादी इकदामात और एहतियात से हम इस खतरे से खुद को और अपने प्यारों को बचा सकते हैं। कोरोना वायरस, जी हाँ, ये वायरस अब दोबारा हमलावर है। इस खत्ते में जो जंग हम कोरोना वायरस से जीत चुके थे, ये वायरस एक नई तवानाई के साथ दोबारा पलट आया है। ये बहुत जरूरी है कि हम इस बार भी इसे उसी तरह शिकस्त दें जैसे हमने इसे पहले शिकस्त दी थी। ये वक्त फिर से खुद को इस बीमारी के खिलाफ मुनज़्ज़म करने और मुकाबला करने का है। याद रखें, इस तरह के वायरस जब पलट कर हमला आवर होते हैं तो हमला न सिर्फ शदीद होता है बल्कि वायरस खुद में मजीद मुदाफियत भी पैदा कर चुका होता है। तो इस बार जरूरी है कि हम पिछली मरतबा से ज्यादा एहतियात करें। अवाम से दरख्वास्त है, खांसते या छींकते हुए मुंह ढांपें और मास्क का लाजमी इस्तेमाल करें। इस्तेमाल के बाद टिश्यू कूड़ेदान में फेंक दें। गैर जरूरी तौर पर घर से बाहर निकलने या आवामी मेल जोल से गुरेज करें। हाथों को अक्सर साबुन से कम अज कम 20 सेकंड तक धोएं। सफाई का खास ख्याल रखें। हुकूमती अहकामात और हिदायत पर लाजमी अमल करें। अगर आप और हम इन इकदामात का एहतमाम करें तो हम वायरस के इस दूसरे शदीद हमले से न सिर्फ बच सकते हैं बल्कि दोबारा शिकस्त भी दे सकते हैं। सेहतमंद जियो। दुनिया भर में पाकिस्तान का सबसे मकबूल न्यूज चैनल जियो न्यूज, हर वक्त हर जगह आपके साथ। जियो न्यूज पहुंचाए अहम तरीन खबरें, हर वक्त मालूमात, दिलचस्प वाकयात, शोज और बहुत कुछ। रिकॉर्डेड ही नहीं, लाइव भी, इंग्लिश और उर्दू दोनों जबानों में। अभी लॉग ऑन कीजिए www.jio.tv। यही नहीं,
जियो न्यूज आपके साथ ट्विटर और फेसबुक पर भी, तो देखते रहिए हर जगह हर वक्त आपके लिए आपके साथ सिर्फ जियो न्यूज। कान देखते हैं आवाजों की जाने, आंखें सुन लेती हैं खामोश इल्तिजा को। ऐसे सवाल करते हुए डरता है क्योंकि उनकी ठुकाई बाद में होती है। आप ना ठुकवाइएगा, बाकी मुझे मान लो। आप क्या मतलब पार्टी है माफिया है? अंधे बहरे मुआशरे में झिझक की डर की दीवारें, जवाब की रोशनी सवाल तक पहुंचने नहीं देती, जहनों को पनपने नहीं देती। सवाल की चोट से गिरती है हर दीवार। आज शाज़ीब खानज़ादा के साथ देखिए, आज शाज़ीब खानज़ादा के साथ पीर से जुमा, शब 10:05 सिर्फ जियो न्यूज पर। गहरे पानियों से बर्फ पोश पहाड़ों तक, दुनिया का बुलंद तरीन मैदान जग, इस सहाफती मुसाफत में छानी है हर जगह की खाक। देखिए बनते हुए नया पाकिस्तान शहजाद इकबाल के साथ। आप वजीर आजम बने तो भी इसी तरह हर वक्त गुस्से में होंगे। आई हैव अ सॉफ्ट साइड ऑल्सो, डोंट वरी अबाउट दैट। बिलावल हाउस है देखो, ये आप मुझे कितने में दे देंगे? आपने जो वी मस्ट वर्क टुगेदर टू सॉल्व आवर कॉमन प्रॉब्लम्स, नॉट फेस ईच अदर। ज्यादा दिल आपका किसके रवैये ने तोड़ा है? ऐसा दिल रखते नहीं है कि टूटेगा। आप नहीं समझते कि इस मरतबा मुतहदा मजलिस अमल ना मुतहदा तीन, उसमें अमल था इसलिए मार पड़ी। सर आप बहादुर आदमी हैं तो थोड़ा अच्छा कर लेते हैं। करप्शन तो उतनी नहीं है ना जितने आपके दौर में थी। इतना टकराव इदारों के साथ इस हुकूमत में हुआ है जितना किसी और हुकूमत में? इदारों में टकराव रहता है, सियासत भरपूर हो रही है। आज कुछ है, कल कुछ है, दोपहर को कुछ है, शाम को कुछ है, इजाजत होती है। आपकी दौलत और प्रॉपर्टी और ये सारी चीजें दिन ब दिन बढ़ कैसे रही है? अल्लाह से कारोबार करो ना, तुम भी करो ना। 10-15 सिगार और 10-15 टूटियां बनी गाला भी भिजवा देते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जी फिर अगर रखना है तो इसका नाम वजारत हुजूरियात रख लें और आपको बिठा दें। अल्लाह ना करे मैं आपको तरह बताऊं। देखिए जिरगा हफ्ता और इतवार शब 10:05 सिर्फ जियो न्यूज पर। वेलकम टू जियो पाकिस्तान। आपके लिए 23 मार्च पाकिस्तान डे क्या है? हम सबको एहतियात करना बहुत जरूरी है। कई शब देखा मैंने अश्विन, जब तू भागता है ना तो हमें लगता है अब कुछ होने वाला, हम दूसरी टीम में बैठे हैं, हमें मजा आ रहा होता है। मेमोरी गेम्स और ये होता है सुपर लर्निंग के साथ कोर्सेज हैं। ये जो आपका सफर है इसे छोड़ना नहीं है आपको, प्रॉमिस करेगा जी, प्रॉमिस। जितनी करप्शन पिछले सालों में थी उतनी ही करप्शन आज तक मौजूद है। गेम सारी जो है कुछ निष्पक्षता से ना का मतलब ना होता है, करिश किया जाना चाहिए, बड़ी अच्छी बात है। अपने राइट के लिए आप आवाज उठाने के लिए डरे नहीं, और हमारे एक्टर बहुत टैलेंटेड हैं। आलू आलू यस। पाकिस्तान इस सिलसिले में क्या करना चाह रहे हैं? प्यार है हमें, प्यार है पाकिस्तान से। देखिए जियो पाकिस्तान पीर से जुमा सुबह 9:05 सिर्फ जियो न्यूज पर।
हाथों को पानी से गीला करें, अच्छा साबुन से मले, हथेलियों को आपस में पहले रगड़ें, दोनों हाथों की पुश्त को हथेलियों से रगड़ें, हाथों की उंगलियों को आपस में कसा के रगड़ें, उंगलियों को बंद करके पेड़ से मले, हाथ के अंगूठे को पकड़ के साफ करें, हथेलियों को उंगलियों से घुमा के सफाई करें, पानी से हाथों को रहिए जियो न्यूज देखिए हमेशा की तरह देखते रहिए जियो न्यूज लाइव पाकिस्तान का सबसे बड़ा काबिले एतमाद न्यूज चैनल देखने के लिए विजिट कीजिए जानने वालों को बताइए और शेयर कीजिए live.jio.tv www.youtube.com/jio-news आपके पसंदीदा प्रोग्राम्स और खबरें जो आप ना देख पाए वो हमारी वेबसाइट और YouTube पर दस्तियाब हैं। अगर आपको शिकायत हो तो दर्ज ज़ेल नंबरों पर WhatsApp या SMS करें 03128022222 03321978555 03731603 80 ईमेल geohelp@jio.tv जनाब मेहरान टाउन में जो अफसोसनाक वाकया पेश आया है उसका हम डिस्कशन कर रहे हैं जो हुकूमत है सिंध हुकूमत वो इल्जाम डालती है इंतजामिया के ऊपर इंतजामिया केएमसी के ऊपर डीएचए के ऊपर एक दूसरे के ऊपर हमने माजी में भी देखा है कि जब इस तरह के वाकयात होते हैं तो इल्जाम लगाए जाते हैं लेकिन हल किसके पास है करें क्या ये कोई चीज सामने नहीं आती। इरशाद भट्टी साहब ब्रेक पे जाने से पहले हफीजुल्ला न्यायी साहब कह रहे थे जी वो टूल्स ही नहीं है जो चाहिए बेहतरी के लिए इसलिए हो नहीं सकता आप इत्तफाक करते हैं इससे क्या क्या टूल्स होने चाहिए फिर क्या चीज की जरूरत है। हफीजुल्ला न्यायी साहब ने एक और भी खूबसूरत बात की उन्होंने कहा कि देर इज विल देर इज वे आप यानी आपकी प्रायोरिटी में है क्या आवाम आवाम 95% आवाम आपकी प्रायोरिटी में है। मैं खप खप के मर गया हूं मैडम शेख आपको नहीं 72 साल के बाद अगर किसी को साफ पानी नहीं मिल रहा कब्र के लिए उसको सिफारिश करनी पड़ रही है आप फैक्ट्री में मरने वालों की खिड़कियां डिस्कस कर रहे हैं ये कीड़े मकोड़े हम लोग 17 मर जाएंगे 117 दोबारा नौकरी के लिए इसी फैक्ट्री में आ जाएंगे। और मैडम शेख आखिरी बात मैं एक सिर्फ आप अपने सारों से सवाल करता हूं हाउस ऑफ शरीफ के खिलाफ कुछ होता है तो जमहूरियत सिविलियन बालादस्ती निजाम खतरे में पड़ जाता है जरदारी साहब एंड कंपनी के बारे में कुछ होता है फेडरेशन खतरे में पड़ जाती है इमरान खान साहब के खिलाफ कुछ होता है तो एक वो कहते हैं कि एक पूरा निजाम तलपट हो जाता है। कभी सानिया मॉडल टाउन सानिया साईवाल सानिया बल्दिया फैक्ट्री पे हमारी जमहूरियत क्यों नहीं खतरे में पड़ी क्यों सिविलियन बालादस्ती खतरे में नहीं पड़ती नालों में लोग जब डूब जाते हैं तो क्यों नहीं हमारा निजाम तलपट होता क्यों हम सारे कैसे बचाया था ये 25 वॉल्यूम्स को और 10 वॉल्यूम्स को पूरा मुल्क निकला हुआ था रो रहे थे आंसुओं के साथ मर गए लुटे गए हमारे सरदार लुटे गए इधर क्यों नहीं ये गरीब मरे इस वजह से खुदा के लिए इनको भी कुछ समझे हर बंदा वहां नवाज शरीफ है अपनी फैमिली में हर बंदा हसन हुसैन है हर बंदा वहां इमरान खान है हर बंदा बिलावल है अपनी फैमिली के लिए तो ये मरते रहेंगे ऐसे ही मरते रहेंगे इनकी कोई हैसियत नहीं कोई वैल्यू नहीं ये वो जैसी कौम वैसे लीडर जैसा मुंह वैसी चपेड़ जैसा थोबड़ा वैसा थप्पड़ ये पड़ता रहेगा। सर जैसी कौम वैसे लीडरान बेनजीर क्या आप इससे इत्तफाक करती हैं एक आज द न्यूज में एक बड़ी अच्छी रिपोर्ट आई इस पूरे वाक्य पे मर्तबा हुकूमत मिलती है द न्यूज में जो रिपोर्टर थे उन्होंने कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी से पूछा लेट बेनजीर स्पीक द न्यूज के जो रिपोर्टर थे उन्होंने कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी से पूछा उन्होंने कहा ये जिनका प्लॉट था उनसे आपने पूछा कि ये उनका रेजिडेंशियल प्लॉट था यहाँ पे फैक्ट्री क्यों बनी हुई थी तो उन्होंने जवाब दिया मैं चेक करके आपको बताता हूं तो इतना तो सिंध हुकूमत कर सकती है कि जो ये लोग चेक कर रहे हैं अब
इनसे तो पूछ ही सकती है कि ये आप क्या आप चेक कर रहे हैं, जब इतने लोगों की जाने चली गई तो अब आप चेक कर रहे हैं। और ये कहना कि क्योंकि लोकल गवर्नमेंट नहीं है या लोकल गवर्नमेंट होती तो उनको उनकी जिम्मेदारी होती, चले अभी नहीं है, आपकी हुकूमत है, आप जिम्मेदारी ले लें, जब तक वो नहीं है तो आप ही कोई जिम्मेदारी ले लें। मैं आपको एक बड़ा इसी प्रोजेक्ट का एक मजे का वाकया सुना दूं। एक साहब थे जो ओवरसीज उन्होंने प्लॉट लिया था, उनके पास उनको शायद मतलब वेल नोन जर्नलिस्ट हैं वो हमारी कम्युनिटी के, उनके पास कुछ लोग आए पिछले साल या दो साल पहले की बात है, और उन्होंने कहा कि उन्होंने दरवाजा खटखटाया, उन्होंने कहा आपका नाम फुला फुला है, उन्होंने मुझसे कहा है कि मेरा नाम नहीं लीजिएगा इसलिए मैं नहीं ले रहा। तो उन्होंने कहा जी मैं आपका उस उधर एक प्लॉट है, उन्होंने कहा जी है, तो वो आप हमें भेज दें। तो उन्होंने भी सोचा कि मुझे अब इस प्लॉट के क्या करना है, उन्होंने कहा अच्छा। फिर वो एक दिन उन्होंने कहा आपको एक दिन केडीए चलना पड़ेगा हमें हमारे साथ। वो गए और कोई चार मुख्तलिफ जगहों पे उनको जाके दस्तखत करने थे, और जिन जिन जगहों पे वो लोग दस्तखत करा रहे थे उधर जो अफसरान या क्लर्क बैठे थे उनके हाथ में वो पैसे रखते जा रहे थे। ये आपका माइंडसेट है, कैपेसिटी की बात है, कैपेसिटी का मसला नहीं है, अथॉरिटी का मसला है। हाँ। चीज ये है, और ये अभी भट्टी साहब वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भट्टी साहब, लेकिन यहां मसला सिर्फ सियासतदानों का नहीं है। हमारी जो सारी जोर है वो डेमोक्रेटिक सिस्टम पे आके अटक जाती है। ये 43 साल है ना, इन 43 साल में 20 साल मिलिट्री गवर्नमेंट्स रही हैं, जिन 43 साल की मैं बात कह रहा हूं, एमक्यूएम की गवर्नमेंट रही है, पीपुल्स पार्टी की गवर्नमेंट रही है, पीएमएफ एंटी पीपुल्स पार्टी की गवर्नमेंट रही है। ये एक माइंडसेट है, और वो माइंडसेट ये है कि मकर की चालों से बाजी ले गया सरमायादार और इंतहाई सादगी में खा गया मजदूर मात। ये जो सूरत हाल है ऊपर से लेके नीचे तक नहीं, मैं हल सिर्फ इसका यही है, बहुत मुश्किलों का करप्शन बेनता है लेकिन हल यही है कि सही कह रहे हैं। लेकिन जितना टाइम है न्याय साहब के पास, देखिए पॉइंट लेके जाना चाहती हूँ, क्योंकि जितना टाइम जमहूरी हुकूमत को मिला उसको अकाउंटेबल होना चाहिए ना। फिर हम कहते हैं एक लाइन बिल्कुल क्यों नहीं होना चाहिए, उन्हें ज्यादा होना चाहिए, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ज्यादा जिम्मेदार है, तो कोई राय नहीं है। उनका काम है मेट्रोपॉलिटन अथॉरिटीज को मजबूत करना, लोकल बॉडीज को मजबूत करना। ये डेमोक्रेटिक पार्टीज नहीं है, ये अनडेमोक्रेटिक पार्टीज हैं जो डेमोक्रेसी के नाम को इस्तेमाल करती हैं। दैट्स माय पॉइंट ना, ऐसी मिसालें कायम करें कि फिर लोग वोट दें। प्लीज जल्दी से कमेंट कीजिए। अपेरेंटली एक कंसेंसस तुम्हारे अंदर हुआ है ना कि कानून की अमलदारी का जो फुकदान है उसने ये सबब पैदा किया है। अब मुझे एक चीज ऐड करने दें, 1958 के अंदर मार्शल लॉ लगे, तीन बड़े मार्शल लॉ लगे 77 में और 1999 में, एक छोटा लगा जाया खान को एक तरफ रखे, तीनों मार्शल लॉ के अंदर ये चीज कंसेंसस आया कि कम से कम हम कानून नाफिज कर सकते हैं और टैक्स इकट्ठा कर सकते हैं। तीनों में उन्होंने एक ही तरह किया काम, और यकीन जानो कि उसमें रिजॉल्व भी था, उसके फोर्स भी थी, लोगों में डर भी था तीनों दफा। अच्छा। लेकिन तीनों दफा कानून को नाफिज करने में और अमलदारी में शहरी असूलों से लेकर फैक्ट्री असूलों तक बुरी तरह नाकाम रहे, चुनाचे खराबी कहीं और बिजमर है पूरे के पूरे उसके अंदर। और उसमें यह कि जब तक आप आईन और कानून की हुक्मरानी नहीं करेंगे और उसके मुताबिक पूरा पाकिस्तान तरतीब नहीं पाएगा, कानून की अमलदारी नहीं हो सकेगी। सर तो यही तो सर यही तो मसला है, यही तो मसला है। ना को मेरे बस में जहाँ से फैसले होते हैं सर, लेकिन जिसको हम इलेक्ट करके लेके आते हैं वो इलेक्ट वालों का हाल देख लिया ना, है ना, इलेक्ट वालों का हाल देख लिया कि जिसे चाहे उठा के मक्की लगा क्या करें सर। आपके यहाँ इलेक्ट वालों की जो दरगत बनी है, मैं कहता हूँ कि किसी में शर्म होती है तो कोई करीब ही ना आ जाता जो उनकी बेइज्जती होती है। या नवाज शरीफ वजीर आजम होता है और टीवी जो है सारे जो 40 चैनल है उनको दिन में चार दफा 2014 में देखने लगे थे, गालियां दे रहे थे सारे। इस मामले को भी बड़ा थरली देखने की जरूरत है।
क्योंकि देखिए हम अगर इस पर्टिकुलर मामले की बात कर रहे हैं कराची वाले की खास तौर पर, तो जनाब यहां पर तो फैक्टर्स को अगर मद्देनजर रखा जाए तो एम था पीपल्स पार्टी की हुकूमत के पास, फिर भी किस तरह से दूसरों के ऊपर ब्लेम गेम की जा रही है, किस तरह से खुद क्या किया उसकी कोई जवाबदही नहीं है, कुछ पूछो तो उसका कोई जवाब ही नहीं है। तो यकीनन जहां पर ब्लेम जाना चाहिए उसको वहां पर करना चाहिए। यहां पर कोई जमहूरी या कोई और हुकूमत आप अपने कामों से शिफ्ट नहीं कर सकते ब्लेम कहीं और। जनाब इजाजत दीजिए, आपसे मुलाकात होगी पीर को नए सवालात के साथ। अल्लाह हाफिज़।